नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों सभी को गुड मॉर्निंग, गुड विशेष। दोस्तों आज आपका नवमी है और सबकी जो मनोकामनाएं हैं माता जी पूर्ण करें और आप लोग प्रगति करते रहे। साथियों साथियों आज बात करने वाले हैं हम तीन चार मुद्दों पर जो कि बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन है। साथियों आप लास्ट तक बने रहेंगे, अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ें बताएंगे। जो हमने आपके लिए कॉपी, जो डीएलएड की कॉपियां चेक हो रही हैं, उसकी भी एक वीडियो हमने बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं हॉल में कैसे शिक्षक हॉल में कॉपियां चेक करते हैं। जो प्रशिक्षु नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, हमने उस पर दो वीडियो बन डाला है खुद बनाकर, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। किस प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको तो बता देते, एग्जाम अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें एक हमने कॉपी का बनाया है, कॉपियाँ किस प्रकार से चेक होती हैं, एक हमने बनाया है, दो हमने बनाया है कि हॉल में शिक्षक किस प्रकार से कॉपियों को काटते हुए चेक करते चले जाते हैं। जिन बच्चों का डिमांड है वो आके देख लेंगे। और यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट का भविष्य में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप करंट हेवन के टेलीग्राम चैनल करंट हेवन सर्च करेंगे तो जुड़ जाइए वहाँ पर। और बाकी बच्चे जो कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है उसको देखें, है ना। आज दोपहर में आपका इन्वायरमेंट का क्लास आने वाला है, शाम में डेली हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज आती है, लगभग मैथ और हिंदी पूरा खत्म कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप आकर पढ़िए अच्छे से। बैक वाले फॉर्म भरें या ना भरें, इस पर बहुत जरूरी है चर्चा करना, अभी करते हैं। पहली बात है बैक का रिजल्ट का जो अफवाह फैल रहा है साथियों उससे बच जाएं। अभी हम बताते हैं बैक का रिजल्ट कब आने वाला, 2019 बैच, 2018 बैच दोनों। और इसके बाद फोर्थ सेम 2019 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, यूपी टेट सर्वर डाउन होने पर। दोस्तों यह तो साफ साफ लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है, पहले हम बता देते हैं यूपी टेट के फॉर्म के पूरे शेड्यूल। दोस्तों आपको पता है 7/10/2021 से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ, इसके बाद 25/10/2021 लास्ट डेट है। ध्यान से गौर से सुनिएगा, आपके रिजल्ट कब तक आने वाली है, 20 से 22 के बीच में आने वाला है बैक वालों का। हम सारी चीज़ें बताएंगे, एक एक चीज़ें आप भरते चलेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा यूपी टेट में कन्फ्यूज है कि कैसे फॉर्म भरें या फिर जो इरर हो गया है वो कैसे सही होगा, तो उस पर हमने कल वीडियो बनाया था शाम में, उसको आप देख लेंगे। सारे अपडेट देखा करिए, अगर नहीं देखे तो सारे अपडेट और सारे क्लास लीजिए, 100% सियोरिटी के साथ ज़्यादा नंबर लाएंगे हमसे, आप हमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, इतना याद रखिए। दोस्तों 120 प्लस का टारगेट हमारा है, 120 प्लस आप लाएंगे, 100% लाएंगे साथियों। इसके बाद 26 तारीख को दोस्तों आपको पता है पेमेंट करने का डेट है, लास्ट पेमेंट करने का डेट 26 तारीख है, 26/10/2021। इसके बाद लास्ट सबमिट जो करना है आपको, लास्ट कंप्लीट फॉर्म भर कर सबमिट कर देना है 27 तारीख को, 27 तारीख तक क्लोज हो जाने वाला 27 पूरा आपका यह वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्वर होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जब क्लोज हो जाएगा तो, लेकिन उससे पहले पहले हमको भर देना है। 4-5 दिन के अंतर पर दोस्तों आपको क्या होता है, सर्वर बहुत डाउन हो जाता है और बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। यह तय है, लिख लीजिए आप, अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं जो बच्चे भर दें। बैक वालों के लिए अभी हम बताते हैं, 2018 बैच वाले प्रशिक्षु भर दें, वो तो निश्चिंत होकर भर दें, फॉर्म भर दें और पेमेंट अभी नहीं करिएगा। सारे प्रशिक्षु जो बैक वाले हैं, 2019 बैच के हों चाहे 2018 बैच हों, सभी लोग फॉर्म भर देंगे लेकिन पेमेंट अभी नहीं करिएगा। पेमेंट कब करना है अभी हम बताते हैं आपको। इसके बाद साथ में आपको पता है एग्जाम डेट है 28/11/2021 से, और आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों, यह 17/11/2021 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, 17 नवंबर 2021 से यहाँ से आपको डाउनलोड होना सारे प्रश्नों का स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आंसर किया आएगा साथ में आपका, आंसर की 2/12/2021 को आने वाला है, यानी कि 2 दिसंबर 2021 को आने वाला है। इसके बाद रिजल्ट फंसेगा आपका, 100% रिजल्ट फंसने वाला है दोस्तों, 99% रिजल्ट फंसने वाला है, क्योंकि दायर कर दिया गया है डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा दोस्तों कंप्लेन हाई कोर्ट में। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हो सकता है कि वैकेंसी भी लेट हो, और वैकेंसी लेट होना तय है, आप लोग भी मनाइए कि वैकेंसी थोड़ी सी जो शिक्षक भर्ती हो लेट हो जाए, जिससे कि आप लोग भली भांति रिजल्ट आने के बाद अच्छे तरीके से बैठ पाएँ। अगर थोड़ा सा और लेट होता है तो बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं उनका और फायदा हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि वो प्रमोट हो जाएंगे 2019 से, मतलब कि आ जाएंगे, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर भी वो दे लेंगे। थोड़ा सा अगर लेट होता है तो प्रभु अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सबका फायदा होना चाहिए भाई ना। अगर ऐसा हो जाता है तो उनके लिए और बढ़िया हो जाता है, एक तरीके से पूरे तरीके से वो निश्चिंत हो जाएंगे। अब यूपी टेट भी मान्य होगा आपका और सुपर टेट भी मान्य हो जाएगा, इस तरह से वो निश्चिंत हो सकते हैं, है ना। साथ में देखिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं बैक वाले फॉर्म भरें या ना भरें। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जो 2019 प्रशिक्षु हैं और 2018 वाले प्रशिक्षु हैं दोनों लोग फॉर्म भरेंगे, दोनों लोग भर दीजिए। 2018 वाले तो निश्चिंत हो जाए, उनका रिजल्ट आते ही अगर वो क्लियर हो जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में बैक है थर्ड सेमेस्टर में भी बैक हो, अगर दोनों क्लियर हो जाता है आपका, थर्ड सेमेस्टर तक तो क्लियर रहना चाहिए हमें।
अगर थर्ड सेमेस्टर तक आपका क्लियर हो जाता है तो आप फॉर्म भर देंगे, जैसे ही रिजल्ट आता है 22 और 20 के बीच में रिजल्ट आएगा। पहले लोग बोलते थे 15 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला, आया नहीं ना? आया क्यों आएगा भाई 15 अक्टूबर को, जो हमने बोला था 15 अक्टूबर को नहीं आने वाला है, 20 से 22 के बीच में खुद नोटिस जारी किया है पीएनपी, तो दूसरों की बातों पर क्यों ध्यान दें हम? तो आप लोग को यहाँ पे जो बताया जाता है सही बातें बताई जाती है। वैसे सारे प्रशिक्षुओं का जो कमेंट किए हैं, हम शाम में डेली 100-100 प्रशिक्षुओं का कमेंट लेकर उनके जवाब देंगे डेली रोज का, तो आप शाम में जरूर आया करें 6 बजे, वहाँ पे आपके सारे कमेंट, जितने प्रशिक्षु कमेंट करते हैं उनका जवाब दिया जाता है वहाँ पर, तो आप लोग कमेंट कर देंगे उनका जवाब 6 बजे आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को सुनिए, तो उसमें बाइक वाले फॉर्म भर देंगे लेकिन पेमेंट अभी नहीं करेंगे, रिजल्ट आने के बाद पेमेंट करेंगे। अगर फॉर्म नहीं अप्लाई करते हो, इस याद में रहते हो कि सर हमारा मतलब कि हमारा तो मान ही नहीं होगा, तो आप दोस्तों भूल कर रहे हो, आप फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही रिजल्ट आता है 2019 बैच वाले, हो सकता है प्रमोट हो जाए, अगर प्रमोट हो गए सीधे चौथे सेमेस्टर में उनका नामांकन हो गया है ना, तो उसका मतलब मान्य होगा उनका, वो आराम से यूपी टेट आराम से क्लियर करेंगे और सुपर टेट में भी बैठने को उनको मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा सीट। ठीक है साथियों, हो सकता है आपका सुपर टेट होने से पहले पहले आपका फोर्थ सेमेस्टर भी करा लिया जाए, जो 2019 बैच वाले बैक प्रशिक्षु हैं, ठीक है, मनाइए प्रभु से हो जाए ऐसा, तो अपने साथियों के साथ आप हो जाएंगे और साथ साथ रहेंगे, है ना, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा नहीं भूलना है। इसके बाद दोस्तों, जो इस फॉर्म तो भर दीजिए, पेमेंट बाद में करेंगे, हम कब करेंगे पेमेंट? 26 तारीख को आप पेमेंट कर देना है, आपका रिजल्ट 22 तारीख को आता है, अभी अपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर देंगे, इस संशय में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि फॉर्म नहीं भरना है हमें, हमारा फॉर्म तो मान्य ही नहीं होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा दोस्तों। अगर आप फेल हो जाते, प्रभु ने करें ऐसा फेल हो, अगर आपका बैक लग जाता है फिर से, तो आप पेमेंट मत डालिएगा, तो कहाँ नुकसान हुआ आपका? तो इसी वजह से बोल रहे हैं लास्ट तक आप वेट करोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जैसे रिजल्ट आता है अगर आप पास हो जाते हो तुरंत आप पेमेंट कर दोगे, तो आपका नुकसान कहाँ हुआ? अगर पहले से पेमेंट वेमेंट करके बैठे हो, भगवान ना करें आप फेल हो जाते हो बाद में, तो क्या होगा? आपका नुकसान ही तो होगा भाई, तो नुकसान नहीं कराना है हमें बच्चों का, तो लास्ट में आप पेमेंट करोगे, मतलब कि 25 तारीख तक पेमेंट कर दोगे आप, ठीक है, 26 तारीख लास्ट पेमेंट का है, तो 25 तारीख को या फिर 26 को सुबह तक कर देना है आपको, यह चीज़ें याद रखना है। और लास्ट सबमिट है आपका 27, तो 2 दिन में सर्वर नहीं डाउन, आप लेके बैठे रहो 2-3 घंटे कैसे सर्वर डाउन हो जाएगा, फटाफट करते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ उसमें सबमिट करना, यह चीज़ें, ठीक है। इधर बैक का रिजल्ट कब तक आएगा हमने बता दिया, 20 और 22 के बीच में श्योर है पूरा, पीएनपी भी बोला है, उसका लिखित प्रमाण है हमारे पास, हमने ग्रुप में टेलीग्राम पे भी डाला था, बच्चे देखे होंगे। वैसे हमारा हम स्क्रीन लेकर बनाना हमारा नहीं मजा आता है, हमको तो नहीं अच्छा लगता है, स्क्रीन पे ले लें जो आया है लेटर उसका फिर बनाएं, ऐसे फेस टू फेस बातें करते हैं तो बहुत आनंद होता है बच्चों के सामने, ठीक है भाई। ये बैक का रिजल्ट आपका 20 और 22 को आ जाएगा। इसके बाद साथियों, फोर्थ सेमेस्टर 2019 का रिजल्ट कब तक आएगा, बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है। तो फोर्थ सेमेस्टर जो रिजल्ट है साथियों आपका लेट होगा, इतना मानिए हो सकता है अगले मंथ 15-15 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी कापियां आपकी स्थानांतरित हो रही हैं और हमने भी देखा, अपने आंखों से देखा, कापियां आपकी इधर उधर हो रही थी और अलग अलग डाइटों पर दिया जा रहा था, है ना। तो चलिए, या आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिन प्रशिक्षुओं का कोई कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो के नीचे या फिर किसी अदर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, वह सारे प्रशिक्षुओं का जो जवाब है वो हम 6 बजे आकर, शाम को 6 बजे उसका जवाब मिलेगा, तो शाम को 6 बजे आप जरूर आया करें, ठीक है ना, डेली होता है। इसके बाद यूपी टेट सर्वर स्लो, हाँ वही बात हम करने वाले थे, मतलब यूपी टेट का अगर सर्वर स्लो होता है तो आप तो खुद फॉर्म नहीं भर पाओगे भाई, क्यों भर, कैसे भर पाओगे बताओ? इस वजह से बोल रहे हैं कि आप पहले फॉर्म डाल दीजिए, बाद में पेमेंट करिएगा जब रिजल्ट आ जाएगा, जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं। और जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिए हैं उनको तो कोई सोचना ही नहीं कुछ, वो फॉर्म भी डाल दें अपना फटाफट, वह रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद वो फटाफट अपना पेमेंट भी कर दें, जिससे कि निश्चिंत हो जाएं और आराम से बैठ कर तैयारी करें, ठीक है साथियों। अब मिलते हैं दोस्तों 1 या 2 बजने के करीब, आपका सोलर सिस्टम, जो इन्वायरमेंट में सोलर सिस्टम वाला आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है सोलर सिस्टम, ये बहुत बार पूछा जाता है अनेकों एग्जाम में, तो हमने सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं यूपी टेट के क्लासेस के, सुपर टेट के क्लासेस के, सी टेट के क्लासेस के, तो आप देख लें सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं, लगभग हिंदी और मैथ के पूरा फिनिश हो गया है। इन्वायरमेंट में हम लोग इतिहास वाला पोर्शन कवर कर लिए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है 3 से 4 दिन चलेगा, फिर उसके बाद आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है हमने, उसको जैसे ही आपका यूपी टेट खत्म होता है एग्जाम आप दे लेते हो 28 के बाद, तो हम उधर अच्छे तरीके से मैप बनाकर अगला मतलब अगले क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बहुत डिटेल में हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तीनों पीरियड, प्राचीन भी, मॉडर्न भी और मॉडेबल भी, मतलब मिडेबल भी, सब पढ़ने वाले हैं तीनों, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग साथ बनाए रखिए, शेयर करिए, माता रानी सबकी सुनेंगी, बस आप लोग भरोसा रखिए हमारे ऊपर और हम आपके ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। फटाफट शेयर कर दीजिए साथियों, वायरल करा दो। हम तो बोलते हैं, देखिए कॉमन नंबर की बात एक कर लेते हैं, क्या नाम था, प्रीति सैनी,
प्रीति सैनी ने अभी अभी तुरंत कुछ देर पहले ही उन्होंने बच्चा ने उन्होंने भैया कमेंट किया कि सर कॉमन नंबर की बात करें। बच्चा कॉमन नंबर के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोग हमारी बात नहीं सुनते हो। अगर उस समय आपने 24 तारीख तो आप गए नहीं वहाँ पर, अगर आप गए होते तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें नहीं आती आपको, आपका कॉमन नंबर मिलेगा। लेकिन याद रखिए कैसे मिलेगा, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आप 7 से 8 नंबर के आसपास आपने सही किया है तो अगर पेपर हार्ड आया था तो मैथ वाले में सबको कॉमन नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। अगर आप 7-8 नंबर के सही किए हैं तब, इतना याद रखिए, अगर आप 6-5 नंबर का सही किए हैं तो उसमें एवरेज नहीं ऐड होता है। कॉमन नंबर और जनरल नंबर में क्या डिफरेंस है हमने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में आ जाइए, एग्जाम अपडेट के नाम से लगभग 160-170 के आसपास वीडियो उसमें होंगे, सब कुछ देख डालिए। उसी में हमने कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं ये भी बताया है, कैसे एग्जाम में शिक्षक बैठकर कॉपियाँ खटाखट काटते चले जाते हैं, जो प्रशिक्षु अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पर वह कैसे करता चला जाता है, तो आप सब देख सकते हैं भाई। आ जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनाया गया है, भगवान आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं, तो आप लोग उसका उपयोग करिए और अच्छे तरीके से राइटिंग करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।